क़दामत पसंद सा माशरा है हमारा, और उसमें अभी वहाँ पे ये कल्चर नहीं है कि मैं जाके कोई ख़वातीन का या वैसे ही जनरली एक जलसा जो है उसको मैं वो कर सकूँ, कंडक्ट कर सकूँ। लेकिन हम डोर टू डोर कैंपेन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जिस हल्के से मुझे मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया है वहाँ पर एक ख़वातीन के वोट कास्ट करने को एक टैबू समझा जाता था, और ये मेरी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप, लोकल लीडरशिप और मेरा अपना भी एक आइडिया था कि अगर हम वहाँ से किसी खातून को, तांगीर जैसे इलाके से, दियामत जैसे इलाके से किसी खातून कैंडिडेट को अगर मैदान में उतारेंगे तो हम उन खवातीन को इनकरेज कर सकते हैं, उन्हें एक हौसला मिलेगा कि हाँ मतलब वो किसी खातून को भी वोट कर रही हैं। और दूसरी ये कि अगर कोई खातून कैंडिडेट बन के जा सकती है तो वहाँ की औरत वोट क्यों नहीं कास्ट कर सकती। मैंने एजाज़ात उम्मीदवार कॉन्टेस्ट करने को प्रेफर दिया क्योंकि ये मौका है कैंपेन के दौरान में बहुत सारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ में जहाँ हमारी अप्रोच आम वक्त में नहीं होती है, वहाँ जाके मैं मसाइल सुन सकती हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में उनके लिए काम करने के गर्ज से मैं सियासत में आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन मुहिम बहुत अच्छी चल रही है। चैलेंजेस मेरे लिए ये है कि हमारा जो हल्का है वो बहुत बड़ा है, बिहरची से लेकर बरसत तक कवर करना एक चैलेंज है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में काम करना मुश्किल होता है खातून के लिए, लेकिन मैं इस काम को और इस मुश्किल को मैं हमेशा अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझती हूँ। दौरान कैंपेन उन्होंने अपने लिए वोट बैंक बनाने के लिए मेरे ज़ात पे कुछ कमेंट्स किए हैं जो कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अपने अक़दार और वैल्यूज़ को प्रीफर करना चाहिए। स्पेशली ख़वातीन के वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं था इलेक्शन के हवाले से, सियासत के हवाले से। अभी मेरी बातचीत होती उन लोगों को कुछ पता ही नहीं, तो मैंने कहा मैं हमजा से वहाँ से इलेक्शन जनरल इलेक्शन कंटेस्ट करूँ, देखती हूँ कि वहाँ के लोग। अभी तो मेरे साथ बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, वहाँ के यूथ वाले हो गए जो उनके मुखी साहब इमाम साहब मस्जिद का, वो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अच्छा कॉपरेट किया और ताउन किया। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ वहाँ जाके अपने कैंपेन करूँ।